गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं संतोष श्रीवास्तव सुपर 60 एजुकेशन हब में आपका स्वागत करता हूँ। आई वेलकम यू। और ये मेरा एडिटोरियल का चौथा सेशन है, 29th अप्रैल का। आपका जो एडिटोरियल आज आपको पढ़ना है वो कल का है। धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगा, इस तरीके से मैं मेहनत करूँ कि जिस दिन का एडिटोरियल हो उसी दिन आपको पढ़ाया जा सके। मैं सोच रहा हूँ कैसे ये मैं करूँ, शायद टाइम का थोड़ा बहुत इधर अगर मैं मैनेज करता हूँ तो मैं उसी दिन, जिस दिन का एडिटोरियल होगा उसी दिन आपको वो पढ़ा दिया जाएगा। आशा है कि आप जो शाम को 6 से 7 एडिटोरियल पर मेरी एक्सरसाइज है वो जरूर देखें, दूसरे बच्चों को भी बताएं, क्योंकि सफल होने के लिए बच्चों बहुत जरूरी है। आप केवल पढ़ करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आप उसे आजमा करके यानी उस पर एक्सरसाइज करके ही आगे बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मैं वर्ड पावर भी दे रहा हूँ, कॉमन एरर्स में दे रहा हूँ अच्छे लेवल पे, और फिर सेंटेंस फिलर्स दे रहा हूँ। ये सारी चीजें आगे और भी चीजें मैं धीरे धीरे क्लोज टेस्ट PQRS वगैरह भी उसमें मैं जोड़ूंगा, तो वो एक्सरसाइज आपकी आपके लिए फाइनेंशियल होगा, मीन्स एक रामबाण की तरह होगा, जरूर करें उसे। एक और रिक्वेस्ट है, कुछ बच्चे जिन्हें शायद मेरा जो वर्ब के कॉन्सेप्ट पे मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मैं शायद दोबारा कह रहा हूँ आपसे, उसमें 7 पार्ट्स हैं, प्रोजेक्टर पर मैंने बनाया हुआ है, इसलिए उसकी थोड़ी सी क्वालिटी जो है थोड़ा सा ब्लरिंग वगैरह रहेगी, ठीक है, तो उसे बुरा ना माने आप। और आगे जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे मैं बनाऊंगा, निश्चित ही वो प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, आज का ये हमारा एडिटोरियल है और देखते हैं ये एडिटोरियल हमारा किस साइज पे है। ये है आपका 29th अप्रैल का। नो इंडो, एक मिनट बच्चों, बस एक मिनट। कह रहे नो इंडो इन साइट ऑन इंडियाज कोरोना वायरस स्ट्रेटजी। और जो ये मेन हेडिंग थी, जो सब हेडिंग है, इंडिया मस्ट लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज इन डिवाइजिंग स्ट्रेटजीज टू कंटेन द एपिडेमिक, ठीक है। हम आगे आते हैं इस पे, पहले जो हमारी छोटी छोटी चीजें हैं वो जल्दी से देख लेते हैं ताकि इन्हें पढ़ने में हमें आसानी हो जाए। सबसे पहले जो वर्ड पावर हमारा है वो देख लें, ये वर्ड पावर है, जल्दी से देख लें आप। डिवाइस क्या होता है, जब आप किसी चीज के बारे में चिंतन करते हैं, किसी चीज को चिंतन करके उसे ढूंढ निकालते हैं, उसे इजाद करते हैं, लोगों के सामने ले आते हैं, तो आप उसे डिवाइस करते हैं, ठीक है। मैंने इंग्लिश मीनिंग वगैरह दी हुई है, आप जरूर देखिएगा। यानी आप कंसीव कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, थिंक अप कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कम अप विद कर रहे हैं, उसके समाधान निकालने की, उसको इजाद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डिवाइस रचना करना, इजाद करना, ढूंढ निकालना, ओके। नेक्स्ट वर्ड है आपका कंटेन। एक जो नॉर्मल कंटेन आप जानते हैं, उस कंटेन मीन्स रखना या होना होता है, उसी कंटेन से एक कंटेनर बनाए, बट वो उन चीजों को क्या कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है, उन्हें अपने अंदर वो समेट रहा है। तो कंटेन का एक दूसरा अर्थ भी होता है नियंत्रित रखना, किसी चीज को अपने वश में रखना, तो हैव अ होल्ड, अर्थात किसी चीज पर अपनी पकड़ बनाए रखना, यानी किसी चीज को विद होल्ड करना या कर्ब करना जो होता है वो उसे कंटेन करना होता है। नेक्स्ट वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका, और मैंने कल परसों शायद आपको बताया भी था एपिडेमिक के बारे में, कि जब एक जगह पर एक कम्युनिटी में कुछ विशेष लोगों को यानी अधिकतर लोगों को एक समय पे अगर बीमारी होती है तो वो एपिडेमिक होती है, और अगर उस क्षेत्र में बहुत अधिक संख्या में लोगों पर बीमारी फैलती है तो वो एंडेमिक होती है, और पूरे विश्व भर में हर जगह जो व्याप्त बीमारी होती है वो पैंडेमिक होती है, ठीक है। तो यहां एपिडेमिक है आपका, एपिडेमिक मीन्स महामारी, यानी कोई आउटब्रेक अर्थात किसी चीज का विस्फोट, कोई प्लेग अर्थात बिल्कुल फैल चुका हो, कोई इन्फेस्टेशन अर्थात उसका बड़ा प्रारूप हो, तो वह एपिडेमिक है, मीन्स अ महामारी। इट इज अ फ्लू एपिडेमिक, यानी यह फ्लू एपिडेमिक है, महामारी है। नेक्स्ट वर्ड आपका था क्लस्टर। बहुत सारे कलेक्टिव नाउंस जब आपको पढ़ाए गए होंगे तो आपने पढ़ा होगा क्लस्टर ऑफ स्टार्स, पढ़ा था ना, अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स, अ क्लस्टर ऑफ ट्रीज, अ क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स। तो ये कलेक्टिव नाउन है जिसका मतलब एक बंच होता है,
क्लंप होता है, कलेक्शन होता है, मास होता है, मीन्स कोई समूह होता है। एग्जाम्पल मैं देख ले रहा हूं, देयर वर क्लस्टर्स ऑफ क्रीमी व्हाइट फ्लावर्स, यानी क्रीमी व्हाइट फ्लावर्स जो थे, फूल थे, उनका वहां क्या था, बिल्कुल गुच्छा था, मीन्स उनका समूह था, बहुत अधिक संख्या में थे वो। तो क्लस्टर किसी चीज का समूह हो। नेक्स्ट वर्ड है आपका सिम्पटम्स, नॉर्मल है। जब भी किसी के अंदर कोई बीमारी वगैरह के लक्षण की हम बात करते हैं तो हम सिम्पटम की बात करते हैं, ठीक है। जब भी किसी व्यक्ति के अंदर बीमारी वगैरह के लक्षण की बात हम करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, सिम्पटम की बात करते हैं। सिम्पटम मीन्स लक्षण, कोई चीज मैनिफेस्टेशन है उसका, मीन्स उसके लक्षण साफ साफ स्पष्ट दिख रहे हैं। इंडिकेशन है, उस चीज का संकेत मिल रहा है। साइन है, उस चीज का संकेत मिल रहा है। मार्क है, उस चीज का संकेत हो रहा है, निशान दिख रहा है। टोकन है, मीन्स एक प्रमाण दिख रहा है उस चीज का। तो सिम्पटम्स मीन्स लक्षण। नेक्स्ट वर्ड है जो अक्सर आपके काम आएगा, थोड़े से अच्छे लेवल पर अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहेंगे तो वहां अक्सर लोग कहेंगे कि ये जो आप कह रहे हैं ना वो क्राइटेरिया से मीट करना चाहिए, मीन्स इट शुड मीट द क्राइटेरिया। तो मीट द क्राइटेरिया मीन्स संतुष्ट करना या किसी चीज पर खरा उतरना। तो एग्जाम्पल देख ले, एवरीवन यानी एवरीवन हुज क्वालिफिकेशंस, हर कोई जिसके क्वालिफिकेशंस मीट आवर क्राइटेरिया, खरी उतरती यानी हमारी अपेक्षाओं पर खरी उतरती हैं, विल बी कंसीडर्ड, उस पर क्या किया जाएगा, विचार किया जाएगा। तो मीट द क्राइटेरिया किसी चीज पर खरा उतरना, मीन्स अपेक्षाओं वगैरह पे खरा उतरना। नेक्स्ट वर्ड है आपका अपटिक मीन्स जब किसी चीज में हल्की सी बढ़ोतरी हो तो वह अपटिक कहलाती है, मीन्स एक इंक्रीज हो रहा है, एक ऑगमेंट हो रहा है, मीन्स हल्की बढ़ोतरी हो रही है। ये अपटिक अगर ध्यान से शब्द को देखेंगे ना, टिक है ना अप, तो कहीं ना कहीं बढ़ोतरी दिखाई जा रही, दिस इज अपटिक। वी कैन फाइंड एन अपटिक इन फॉरेन टूरिज्म, यानी जो विदेश का पर्यटन है, विदेशी पर्यटन है, उसमें कहीं कहीं हम क्या देख सकते हैं, थोड़ी सी बढ़ोतरी देख सकते हैं, मीन्स पर्यटकों की संख्या क्या हो रही, बढ़ रही है। नेक्स्ट वर्ड है आपका मॉर्टलिटी, जानते होंगे मॉर्टल से बना है, मॉर्टल मीन्स होता है नश्वर, तो अगर मॉर्टल मीन्स नश्वर होता है तो मॉर्टलिटी मीन्स नश्वरता हो जाएगा, यानी जो चीज मरणशील होती है वो मॉर्टल होती है। तो हर एक चीज इस दुनिया में जो कुछ भी है, हर एक चीज वो मॉर्टलिटी की शिकार है, मीन्स नश्वरता के शिकार है। तो इसे आप कह सकते हैं इम्परमानेंस है, मीन्स अस्थाई है हर चीज, टेम्पोरैलिटी है अर्थात उसका टेम्पोररी होना दिखाया जा रहा है, ट्रांजिएंस है अर्थात हर हाल में उसे बदल जाना है। तो मॉर्टलिटी मीन्स नश्वरता। द वर्क इज इंक्रीजिंग हॉन्टेड बाई थॉट्स ऑफ मॉर्टलिटी, द वर्क इज इंक्रीजिंगली हॉन्टेड, यानी जो कार्य है इज इंक्रीजिंगली हॉन्टेड, ये निरंतर क्या कर रहा है, डरा रहा है, बाई थॉट्स ऑफ मॉर्टलिटी, जैसे किस चीज के विचार आ रहे हैं, नश्वरता के विचार आ रहे हैं। तो मॉर्टलिटी मीन्स नश्वरता। ये जो मैंने आपको सेंटेंस बना के दिया है ना, ये आपके ज्यादा काम आए, जब आप सेंटेंसेस में पढ़ते हैं तो वर्ड्स आपको ज्यादा याद आते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड है कोलैट, कोलैट नॉर्मल है, कोलैट कलेक्ट की तरह है बिल्कुल, यानी किसी चीज को कलेक्ट करना, गैदर करना, एक्यूमुलेट करना, मीन्स असेंबल करना, मीन्स क्या करना, उसे इकट्ठा करना, कोलैट मीन्स इकट्ठा, इसी से कोलैटरल आपका बना। ऑल द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड, देखिए यहां ऑब्टेन्ड वही बच्चों जो पास्ट पार्टिसिपल की बात मैं करता हूं, कि ऑल द इंफॉर्मेशन विच इज ऑब्टेन्ड या दैट इज, यहां दैट ले लें, ऑल के साथ दैट लगाएं, ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इज ऑब्टेन्ड, यानी वो सारी सूचनाएं दैट इज ऑब्टेन्ड जो प्राप्त की गई हैं, इज बीइंग कोलेक्टेड, वो क्या की जा रही है, इकट्ठी की जा रही है। पैसिव वॉइस देखिए कंटिन्यूअस कर, इज बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कोलेक्ट, कोलेक्ट मीन्स इकट्ठा करना। नेक्स्ट वर्ड है लग्जरी, हर इंसान इस दुनिया में चाहता है वो एक लग्जरी लाइफ चाहिए, मीन्स सुख सुविधा का जीवन चाहिए, तो लग्जरी मीन्स विलासिता, मीन्स सुख। ही लिव्ड अ लाइफ ऑफ लग्जरी, उसने विलासिता का जीवन जिया, यानी उसने ऑपुलेंस का, धन वैभव का जीवन जिया,
उसने रिचनेस का मीन्स धन का जीवन जिया। नेक्स्ट वर्ड आपका क्वारंटाइन, जो इस सेंस में दिया गया आज की उसमें, आप इस पे अगर वीडियो देखना चाहिए तो मेरी देख सकते हैं, जहां मैंने क्वारंटाइन और आइसोलेशन पे फर्क समझाया है। क्वारंटाइन क्या होता है और आइसोलेशन क्या होता है। क्वारंटाइन क्या होता है? एकांत की अवस्था, यानी जब आप अकेले कर दिए जाए ताकि आप उन लोगों के संपर्क में ना आए जो इन्फेक्टेड हो चुके हैं, यानी एक तरह से आपको क्वारंटाइन कर दिया गया। लेकिन क्वारंटाइन तभी किया जाएगा जब आप उनके साथ रह चुके हो लेकिन लक्षण आप में दिख न रहे हो, दिस इज क्वारंटाइन। तो क्वारंटाइन मीन्स एकांत की अवस्था, मीन्स मेनी एनिमल्स डाई, बहुत सारे जो जानवर हैं मर जाते हैं इन क्वारंटाइन, किसमें? एकांत की अवस्था में। वैसे क्वारंटाइन इस सेंस में आप अगर कोरोना सेंस में ले रहे हैं तो समझ सकते हैं आप। नेक्स्ट वर्ड है आपका डॉर्मेट्री। डॉर्मेट्री रूम आप जानते होंगे शायद, तो शयनागार होता है, मीन्स शयन कक्ष कह सकते हैं, शयनागार या रैन बसेरा अगर आपने सुना हो तो उसे डॉर्मेट्री कहते हैं, मीन्स अ लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन ए स्कूल और इंस्टीट्यूशन। ही विजिटेड द बोर्डर्स इन देयर डॉर्मेट्री, यानी वह बोर्डर्स यानी जो बोर्डिंग हाउस में रहते थे उनके पास कहाँ गया? वो डॉर्मेट्री में गया। और सेकेंड लास्ट वर्ड आपका है अकिन। अकिन मीन्स क्या होता है? एक समान। अकिन के साथ जो प्रीपोजिशन आप लगाएं वो टू लगाएं, ठीक है? जैसे ही इज अकिन टू सचिन तेंदुलकर, यानी वो सचिन तेंदुलकर के समान है। तो अकिन मीन्स समान, मीन्स नियर, यानी उसी तरीके का है वो, करिस्पॉन्डिंग है, उसी से मिलता जुलता है, कंपेरेबल है, उसी से तुलना होती है, सिमिलर है, उसी के जैसा है, रिलेटेड है, उसी से संबंधित है, क्लोज है यानी उसके बिल्कुल करीब है। समथिंग अकिन टू ग्रेटिट्यूड ओवर हेल्मर, यानी कोई ऐसी चीज अकिन टू ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मीन्स जब आप किसी के प्रति एहसान दिखाते हैं करते हैं तो आपका ग्रेटिट्यूड होता है, यानी कोई ऐसी चीज जो एहसान के बराबर, परोपकार के बराबर हो। ओवर हेल्मर, उस चीज ने उसे क्या कर दिया? भाव विभोर कर दिया, मीन्स उसके अंदर भावनाएं घर कर गई। तो एकिन मीन्स क्या हो जाएगा? समान। और ये लास्ट वर्ड देख लें आप, एक्मोडेशन। एक्मोडेशन, एक्मोडेट से बना है। एक्मोडेशन मीन्स सहायता स्थान या कोई आवास जहां पे आपको एक्मोडेट कराया जा रहा हो। और रूम, ग्रुप ऑफ रूम्स और बिल्डिंग इन विच सम वन मे लिव और स्टे, मीन्स सहायता स्थान या आवास। दे वर लिविंग इन टेम्पररी एक्मोडेशन, यानी वो अस्थाई आवास में रह रहे थे। तो ये वर्ड्स मेरे 14 वर्ड्स यहाँ पे मैंने आपको दिए, जो जरूरी थे वो सारे दिए आपको। और ये कुछ टेम्पररी चीजें देख लें जल्दी से जो आगे आपके एग्जाम्स में काम आने हैं। ये सबसे पहले आप देख लें जो मैंने ग्रामर टिप्स आपको दी है, ठीक है? ये ग्रामर टिप्स हैं, छोटी सी चीज बस देख लें, बच्चों काम आएगा, हमेशा ध्यान रखेगा। ये सारी चीजें मैं एग्जाम्स को पॉइंट ऑफ व्यू करके दे रहा हूं। तो अ नंबर ऑफ हो आपके पास, अ नंबर ऑफ हो, अ फ्यू हो, फ्यू हो, द फ्यू हो, अ वैरायटी ऑफ हो, मोस्ट ऑफ हो, सम ऑफ हो, अ लॉट ऑफ हो, लॉट्स ऑफ हो या मैनी ऑफ हो। तो इनके बाद अगर आप प्लूरल काउंटेबल नाउन ले रहे हैं तो आपको वर्ब भी क्या लेनी होगी? प्लूरल वर्ब ही लेने। आपके मनमार सर अगर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें जो मैंने जो शब्द हैं बोल्ड किए हैं ना, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ, बाकी के साथ तो हर हाल में बच्चों आपको प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब ही लेने। लेकिन जो मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ है, इनके साथ आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों ले सकते हैं, ये फर्क है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, इन सारे शब्दों को ले लिया मैंने, इनके साथ देखे मैंने क्या लिया? बॉयज, प्लूरल लिया नाउन। तो जब मैंने प्लूरल नाउन लिया तो मैंने वर्ब भी क्या ले ली? प्लूरल ले ली। एग्जाम में कैसे दे सकता है? अ नंबर ऑफ बॉयज इज डूइंग देयर वर्क या ऐसा कुछ इस तरीके से। आगे आपके काम आएगा, स्क्रीन शॉट लेके जरूर तैयार करिएगा इसे। लेकिन यहां देखिए मैंने क्या दिया? अ लॉट ऑफ हो, लॉट्स ऑफ हो, जो ऊपर मैंने दिया ना इस बोल्ड करके, अ लॉट ऑफ हो, लॉट्स ऑफ हो, मच ऑफ हो, लिटिल ऑफ हो, अ लिटिल ऑफ हो, अ ग्रेट डील ऑफ हो, अ ग्रेट क्वांटिटी ऑफ हो, अ बिग अमाउंट ऑफ हो, मोस्ट ऑफ हो, सम ऑफ हो, इनके साथ
सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर आप ले रहे हैं तो आपकी वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर वर्ब आपको यूज करना होगा। इसका भी एग्जांपल मैंने दिया आपको, इस सारी जो वर्ड्स थे उनको ले लीजिए और इसके साथ देखिए मैंने क्या लिया, सुगर लिया मैंने, मीन्स अनकाउंटेबल नाउन लिया, तो फिर वर्ब भी देखिए मैंने क्या ले ली, सिंगुलर हैज बीन ले लिया। ठीक है, ये चीजें तैयार कर लीजिएगा, काम आएगा आपको, ये एग्जाम्स के पर्पज से मैंने केवल दिया आपको। ये आज का ईडियम है आपका, ईडियम ऑफ द डे चीक बाय जाउल। कुछ बच्चे जानते होंगे चीक बाय जाउल मीन्स होता है नजदीक, जो क्लोज टुगेदर हो, बिल्कुल साथ साथ नजदीक रहते हो, दे आर लिविंग चीक बाय जाउल। दे लिव्ड चीक बाय जाउल इन अ वन रूम फ्लैट, यानी एक ही रूम वाला फ्लैट था और उसी में एक दूसरे के साथ साथ एक दूसरे के नजदीक वो रहते थे। तो चीक बाय जाउल याद कर लें, चीक बाय जाउल मीन्स पास, बिल्कुल नजदीक। और ये आज का आपका फ्रेज ऑफ द डे है, मीन्स अकाउंट फॉर, देख लें जल्दी से। अकाउंट फॉर मीन्स होता है टू गिव अ सेटिस्फैक्ट्री रिकॉर्ड ऑफ समथिंग, किसी चीज का हिसाब लगाना, उसका आंकड़ा देना। जैसे आई हैड टू अकाउंट फॉर एवरी पेनी आई स्पेंट, यानी एक एक पेनी, पेनी में समझते ना मुद्रा, एक एक, जैसे आप पैसा कहते हैं वैसे डॉलर में पेनी होता है, तो उससे बड़ा पेंस होता है, शायद वहां पे ब्रिटेन वगैरह में भी यूज करते हैं। आई हैड टू अकाउंट फॉर, यानी मुझे हिसाब देना पड़ा एवरी पेनी, हर एक पेनी का, आई स्पेंट मुझे पाई, पाई का जो मैंने खर्च किया था उसका क्या देना पड़ा, अकाउंट फॉर, हिसाब देना पड़ा। दो और अर्थ होते हैं इसके आपके अकाउंट फॉर के, टू गिव रीजन, यानी एक तरह से मिलता जुलता है, टू गिव अ रीजन आर एक्सप्लेनेशन फॉर समथिंग, यानी अगर आपने कोई कार्य किया तो उसका क्या दीजिए आप, कारण दीजिए, उसे समझाइए कि आपने ऐसा क्यों किया, मिलता जुलता है बस अलग किया गया। हाउ डू यू अकाउंट फॉर योर सक्सेस, यानी आप अपनी सफलता के बारे में कैसे समझाएंगे, क्या कारण देंगे कि आप कैसे सफल हो गए, दिस इज अकाउंट फॉर। और एक और अकाउंट फॉर आपका है टू बी द कॉज ऑफ, किसी चीज का कारण होना, ये भी उसी तरह समथिंग। दीज न्यू फीचर्स, ये जो नई विशेषताएं हैं, फीचर्स हैं अकाउंट फॉर, वो कारण है द कंप्यूटर्स हायर प्राइस, किससे इसका, कंप्यूटर के ऊंचे दाम का, यानी कंप्यूटर के ऊंचे दाम को अकाउंट फॉर करें, कारण है वो ये न्यू फीचर्स जो है। ठीक है, और एक और चीज देख लें फिर हम सीधे एडिटोरियल पे आ जाते हैं। ये है आज का वर्ड ऑफ द डे जो काम आएगा एग्जाम में भी आपका, स्ट्रैटजी। स्ट्रैटजी क्या होता है, कोई रणनीति, जब आप कोई प्रॉपर प्लान बना लेते हैं, मेथड बना लेते हैं किसी चीज का, तो वह आपकी क्या होती है, स्ट्रैटजी हो जाती है, मींस अ केयरफुल प्लान और मेथड। इट इज टाइम टू डेवलप अ कोहेरेंट इकोनॉमिक स्ट्रैटजी, यानी हमें एक स्पष्ट आर्थिक रणनीति बनाने का समय है, यानी एक अच्छी रणनीति हम बना लें। कोहरेंट मीन्स वैसे सुसंगत होता है, यहां मैं स्पष्ट रूप ले रहा हूं, यानी एक अस्पष्ट आर्थिक रणनीति को विकसित करने का क्या है, ये समय है। तो स्ट्रैटजी मीन्स रणनीति बनाना। ठीक है, अब बच्चों हमारा समय आ गया जो एडिटोरियल पढ़ने का हमारा समय। ये है आपका एडिटोरियल द हिंदू का, और ये आपका हेडिंग है आज की, नो एंड इन साइट। साइट मीन्स दृश्य होता है, नो एंड, यहां एंड मीन्स अंत, नो एंड इन साइट, यानी दूर दूर तक, यानी जो दृश्य दिखाई दे रहा है दूर दूर तक, उस दृश्य में कोरोना का क्या नहीं है, कोई अंत नहीं है, क्योंकि आगे देखे है ऑन इंडियाज कोरोना वायरस स्ट्रैटजी, यानी भारत की जो कोरोना वायरस के खिलाफ स्ट्रैटजी है ना, मेंस रणनीति है, उस पर ही पूरा आर्टिकल मेंस एडिटोरियल आपका, जिसमें लेखक कह रहा है नो एंड इन साइट, यानी कोरोना के समाप्त होने का भी कोई भी लक्षण, कोई दृश्य दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, चलिए सब हेडिंग आपकी है, इंडिया मस्ट लर्न। मैंने कई बार बच्चों से कहा मॉडल के बाद हमेशा एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब यह भी समझ लें, सब्जेक्ट खुद कार्य कर रहा है,
और अगर वही मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है या पैसिव वैश है, इसका मतलब सब्जेक्ट कार्य कर नहीं रहा है, उस सब्जेक्ट पर कार्य किया जा रहा है, तो यहां सब्जेक्ट खुद कार्य कर रहा है। इंडिया मस्ट लर्न, ने भारत को अवश्य सीखना चाहिए फ्रॉम अदर कंट्रीज, किन से, अन्य देशों से, इन डिवाइसिंग स्ट्रेटजीज, क्या ढूंढ निकालने के लिए, रणनीतियों को ढूंढ निकालने के लिए, टू कंटेन, ताकि प्रतिबंधित किया जा सके, नियंत्रित किया जा सके द एपिडेमिक, इस महामारी को, यानी इस महामारी को प्रतिबंधित किया जा सके, इसके लिए रणनीतियों को ढूंढना होगा, रणनीतियों को इजाद करना होगा। कहां, जब हम अन्य कंट्रीज से क्या करें, हम मस्ट लर्न, जरूर सीखें, यानी भारत को जरूर सीखना होगा अन्य देशों से, अगर उसे क्या करनी होगी, उस एपिडेमिक को यानी कोरोना को नियंत्रित करना होगा, तो उसे तमाम तरीके की रणनीतियों को क्या करना होगा, डिवाइस करना होगा, उन्हें इजाद करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मुझे अच्छा पैसे से आप आराम से समझ सकते हैं। देखिए, इफ, यदि, इट टुक 94 डेज, इट टुक, जैसे आपको कहना बच्चों स्टेशन जाने में 10 मिनट लगेगा, तो क्या ट्रांसलेशन करेंगे, पता है, आप करेंगे इट विल टेक 10 मिनट्स टू रीच द स्टेशन, क्या बोलेंगे, इट विल टेक 10 मिनट्स टू रीच द स्टेशन, तो वैसे यहां पे है इफ इट टुक, यानी यदि लगे, कितने दिन, 94 डेज, यानी 94 दिन लग गए टू रीच 1 मिलियन नॉवेल कोरोना वायरस केसेस, यानी इस नए कोरोना के यदि 1 मिलियन यानी 10 लाख केसेस मिलने में कितने दिन लगे, 94 दिन, कब, ऑन अप्रैल 3rd, यानी 3 अप्रैल को। मैं कहना चाह रहा हूं जब भी आप किसी दिन वगैरह का नाम लें तो फिर वहां पे क्या लगाएं, ऑन लगाएं आप, ठीक है। देखें, इफ इट टुक 94 डेज, यदि 94 दिन लग गए टू रीच 1 मिलियन नॉवेल कोरोना वायरस केसेस, यानी नए कोरोना वायरस के केसेस को टू रीच मीन्स प्राप्त करने, मिलने में, ऑन अप्रैल 3, चूंकि यहां डेट दिया गया है इसीलिए यहां क्या लगाएगा, ऑन, क्योंकि आप जानते होंगे अगर आप किसी महीने वगैरह की, साल वगैरह की, सेंचुरी वगैरह की बात करते हैं वहां ऑन नहीं, इन लगाते हैं, लेकिन जब आप डेज और डेट की बात करते हैं तो उसके साथ आप ऑन लगाते हैं, ठीक है, और जब आप टाइम की बात करते हैं एग्जैक्ट तो वहां पे आप टू लगाते हैं, सॉरी एट लगाते हैं, जैसे कम एट 9 o'clock, ठीक है। चलिए फिर से देखें, इफ इट टुक 94 डेज, यानी यदि 94 दिन लग गए टू रीच 1 मिलियन नॉवेल कोरोना वायरस केसेस ऑन अप्रैल 3, यानी 3 अप्रैल को 1 मिलियन कोरोना वायरस के केसेस मिलने में कितने लगे, 94 दिन लगे, आफ्टर चाइना रिपोर्टेड द फर्स्ट क्लस्टर ऑफ 41 केसेस टू WHO, कब से 94 दिन लग गए, आफ्टर, जब से चाइना रिपोर्टेड द फर्स्ट क्लस्टर ऑफ 41 केसेस, जब चाइना ने 41 केसेस यानी एक साथ क्लस्टर है यहां पे ना, एक साथ 41 केसेस की रिपोर्ट की थी, यानी उसने बताया था टू WHO, किसको, विश्व स्वास्थ्य संगठन को, पहले यहां तक समझ लें, यानी WHO को 41 केसेस होने की सूचना चीन ने दी थी, तब से आज 3 अप्रैल तक कितने केसेस आ चुके हैं, 1 मिलियन मीन्स 10 लाख केसेस आ चुके हैं, और उसने ऑन दिसंबर 31 उसने WHO को, चाइना ने WHO को कब बताया था, यहां भी देखिए दिसंबर 31 है ना, इसलिए यहां क्या लगाया गया, ऑन लगाया गया, ठीक है। इसका एक जो कॉन्सेप्ट वही कहना चाह रहे हैं, यानी जब 31 दिसंबर को है ना, यहां पे 31 दिसंबर को WHO को 41 केसेस की एक साथ पहली बार जब चीन ने रिपोर्ट दी, यानी WHO को बताया कि हमारे यहां 41 लोग क्या हो गए हैं, कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, ठीक है,
और तब से यानी 31 दिसंबर से अब तक अप्रैल 3 तक का आंकड़ा है, 3 अप्रैल तक जो केसेस हैं वो करीब कितने दिन अरे कितने पहुंच गए हैं 10 लाख, और पहुंचने में यानी कितने दिन लगे 94 डेज। ओके, करें द नंबर ऑफ, कभी भी द नंबर ऑफ हो बच्चों हमेशा नाउन प्लूरल लें, लेकिन वर्ब हमेशा क्या ले लें सिंगुलर ले लें। तो द नंबर ऑफ डेज नीडेड टू डबल टू 2 मिलियन शार्पली रिड्यूस्ड टू 12। समझिए बच्चों कितनी अच्छी लाइन है, देखें यहां पे समझ रहे होंगे आप, देखें ये लेखक कहना चाह रहे हैं कि 1 मिलियन नोवेल कोरोना वायरस के केसेस मिलने में कितने दिन लगे बच्चों, कितने दिन लगे 94 डेज, लेकिन द नंबर ऑफ डेज नीडेड टू डबल टू 2 मिलियन शार्पली, लेकिन जो 2 मिलियन तक पहुंचने के लिए नंबर ऑफ डेज थे यानी दिनों की संख्या थी रिड्यूस्ड टू 12, वो कहां तक आ गई 12 दिनों की हुए, यानी पहले जो 10 लाख केसेस थे 1 मिलियन वो कितने थे कितने दिनों में हुए 94 दिन में, लेकिन अगले जो 10 लाख केसेस हुए वो 94 से रिड्यूस्ड होकर के कहां आ गए 12 दिन में केवल 10 लाख केसेस आ गए। ध्यान रखिएगा रिड्यूस्ड टू का यहां प्रयोग है, जिस सीमा तक आप जाएं कम होकर के वो रिड्यूस्ड टू होता है, और जितना रिड्यूस किया जाए वो क्या होता है रिड्यूस बाई होता है। ठीक है, इसे आगे प्रीपोजिशन में आप समझ सकते हैं, जैसे मैं हिंदी में समझा रहा हूं, चलिए इंग्लिश में समझा रहा हूं, हिज सैलरी इज रिड्यूस्ड टू 3000 रुपीज, हिज सैलरी इज रिड्यूस्ड टू 3000 रुपीज, इसका मतलब समझ रहे हैं आप, यानी उसकी सैलरी मान लीजिए 6000 10000 थी तो काटते काटते रिड्यूस्ड टू 3000 रुपीज, काटते काटते कहां तक आ गई 3000 तक आ गई, लेकिन रिड्यूस्ड बाय देखे कैसे होता है, हिज सैलरी इज रिड्यूस्ड बाय 3000 रुपीज, यानी उसकी सैलरी 3000 रुपए क्या कर दी गई कम कर दी गई, यानी 3000 तक नहीं की गई 3000 रुपए कम कर दी गई, यानी अगर 10000 रुपए थी तो 3000 कम करके 7000 रुपए कर दी गई, लेकिन रिड्यूस टू है तो जिस सीमा तक हम आ गए वहां रिड्यूस टू हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखें करें द नंबर ऑफ डेज नीडेड टू डबल टू 2 मिलियन शार्पली रिड्यूस्ड टू 12, यानी जो दूसरे 1 मिलियन केसेस मिलने में समय लगे वो बहुत तेजी से घट करके कितने हो गए 12 दिनों में 1 मिलियन केसेस क्या हो गए बढ़ गए। इट अगेन टुक जस्ट 12 मोर डेज, और अगेन दोबारा केवल 12 और दिन लगे टू क्रॉस 3 मिलियन केसेस, केसेस को क्रॉस करने में 30 लाख केसेस को क्रॉस करने में ग्लोबली वैश्विक स्तर पे, मैंने कई बार बच्चों आपसे कहा है समझने की कोशिश करिएगा, देखिए ग्लोबली आ गया ना, ग्लोबल से समझ सकते हैं आप, और भी वर्ड्स आप देखेंगे आज ही पढ़ेंगे आप मिलेगा और भी ऐसे वर्ड्स रेगुलर रिपीट होते रहेंगे, एक समय देखिएगा आप ज्यादातर वर्ड्स जानेंगे एडिटोरियल के द हिंदू के और समझना भी आप सीख जाएंगे। देखें करें इट अगेन टुक जस्ट 12 मोर डेज, यानी केवल 12 और दिन लगे टू क्रॉस, क्रॉस यहां वर्ब आपकी टू क्रॉस 3 मिलियन केसेस ग्लोबली, वैश्विक स्तर पे 12 और दिन लगे 3 मिलियन तक पहुंचने में ऑन अप्रैल 27 नाइट, यानी 27 अप्रैल की रात तक कितने केसेस हो गए आपके पास 3 मिलियन केसेस क्रॉस कर, यानी 30 लाख से ज्यादा केसेस क्रॉस कर गए। आप इतने का अर्थ कुछ भी नहीं समझ पाए बच्चों, आप समझ रहे होंगे 94 डेज लगे 1 मिलियन तक पहुंचने में, अगले 12 दिन में 2 मिलियन हो गए, और अगले 12 दिन में यानी अप्रैल 27 तक फिर 3 मिलियन केसेस यानी 30 लाख केसेस हो चुके हैं। देखें बच्चों कह रहे द वायरस, द वायरस सिंगुलर है, द वायरस हैज नाउ स्प्रेड, हैज स्प्रेड, स्प्रेड यहां थर्ड फॉर्म है, द वायरस हैज नाउ स्प्रेड, जब भी हैव हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो
चुका है, चुकी है या है वाला अर्थ निकालें, तो द वायरस हैज नाउ स्प्रेड, यानी वायरस ये फैल चुका है टू 188 कंट्रीज, 188 देशों में आर रीजन्स या क्षेत्रों में, यानी 188 देशों या क्षेत्रों में यह वायरस क्या हो चुका है, फैल चुका है। द ट्रू नंबर ऑफ इंफेक्शंस, मैंने कहा ना द नंबर के साथ देखिए हमेशा जो नाउन रहेगा वो प्लूरल रहेगा। एक मिनट बच्चों, जरा सा मैं उस समय ध्यान नहीं दिया, मैं एक मिनट बस चाहूंगा आप इसका फायदा ले लें, आप आपकी रिमाइंडर कर लें। देखें यहां होगा आपका द, देखें बच्चों यहां पे द नंबर है ना, द नंबर ऑफ डेज नीडेड टू डबल टू 2 मिलियन शार्पली रिड्यूस्ड। अच्छा यहां पे आपकी सेकेंड फॉर्म रिड्यूस्ड यूज कर दी गई है, इसलिए आपको नहीं, अगर यही होता द नंबर ऑफ डेज हैव कम, ठीक है तो गलत, द नंबर ऑफ डेज हैज कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख कह रहे द वायरस हैज नाउ स्प्रेड टू 188 कंट्रीज और रीजन्स, द ट्रू नंबर ऑफ इंफेक्शंस, यानी इंफेक्शंस की जो वास्तविक संख्या है विल बी, ये तो मॉडल है, मॉडल सबके साथ एक ही होता है, तो द ट्रू नंबर ऑफ इंफेक्शंस विल बी सेवरल फोल्ड, सेवरल फोल्ड मीन्स कई गुना, मैनी फोल्ड मीन्स कई गुना, टू फोल्ड मीन्स दो गुना, थ्री फोल्ड मीन्स तीन गुना, तो द ट्रू नंबर ऑफ इंफेक्शंस यानी इन इंफेक्शंस के संक्रमण के जो संक्रमण की जो वास्तविक संख्या है विल बी सेवरल फोल्ड, वो कई गुना ज्यादा होगी, हायर मींस अधिक होगी, एज क्योंकि मोस्ट कंट्रीज, जब नाउन के पहले मोस्ट लग जाए और उसके पहले द न लगे तुरंत समझ जाए वो मोस्ट वहां एडजेक्टिव के पॉजिटिव फॉर्म में काम करे, मोस्ट मीन्स अधिकतर, करें एज मोस्ट कंट्रीज, क्योंकि अधिकतर देश, चूंकि कंट्रीज प्लूरल है तो देखिए हैव है, मोस्ट कंट्रीज क्योंकि अधिकतर देश हैव नॉट बीन टेस्टिंग पीपल, क्योंकि अधिकतर देश हैव नॉट बीन टेस्टिंग पीपल, ऐसे लोगों को टेस्ट नहीं कर रहे, उनका टेस्ट नहीं करा रहे हैं, ऐसे लोग हु, ध्यान देखें बच्चों हु जिसके पहले आता है उसी के अनुसार कार्य करता है, हु किसके लिए आया, पीपल, और पीपल प्लूरल है ना इसलिए यहां क्या लग गया आपका, हैव लग गया, तो ऐसे लोगों का वो टेस्ट नहीं करा रहा है, हु देश जो टेस्ट नहीं करा रहे हैं, हु हैव माइल्ड आर नो सिम्पटम्स, जिनके अंदर हल्के आर नो सिम्पटम्स या बिल्कुल भी लक्षण नहीं है, ऐसे लोगों का जो अधिकतर देश हैं वो क्या नहीं करा रहे हैं, टेस्टिंग नहीं करा रहे, जब टेस्टिंग नहीं करा रहे हैं तो इसीलिए अभी जो लक्षण है अर्थात जो केसेस हैं वो क्या है, कम है। देखें फॉर इंस्टेंस मींस उदाहरण के लिए, हमेशा काम आ दें इसके बाद, फॉर इंस्टेंस उदाहरण के लिए इन द यूएस, देखिए यूएस के पहले, यूके के पहले हमेशा क्या लगाया, द का प्रयोग कर लें, इन द यूएस यानी अमेरिका में द सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, यानी एक संस्था है सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, हर लेटर देखिए इसका कैपिटल है क्योंकि इस संस्था एक प्रॉपर नाउन की तरह यह काम कर रहा है। फिर देखें करें फॉर इंस्टेंस उदाहरण के लिए इन द यूएस यानी अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स में द सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन हैज सेड, चूंकि एक ही संस्था का नाम है इसलिए हैज है, हैज सेड उस संस्था ने कहा है दैट की दोज विद माइल्ड सिम्पटम्स ऑफ कोविड 19, वो लोग विद माइल्ड सिम्पटम्स ऑफ कोविड 19 अर्थात हु हैव माइल्ड सिम्पटम्स ऑफ कोविड 19, जिनके अंदर कोविड 19 के हल्के लक्षण है, माइल्ड मीन्स हल्के सिम्पटम्स पड़े थे लक्षण, जिनके अंदर कोविड 19 के हल्के लक्षण है वो लोग हु डू नॉट मीट द क्राइटेरिया फॉर प्रायोरिटी टेस्टिंग, हु डू नॉट मीट द क्राइटेरिया, जो खरे नहीं उतर रहे हैं फॉर प्रायोरिटी टेस्टिंग, किससे, इसके लिए प्राथमिक टेस्टिंग के लिए, विल नॉट बी टेस्टेड,
उनको टेस्ट नहीं किया जाएगा। ये किसने कहा है? द सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, देख लें आगे, हैज सेड, उसने कहा है दैट की दोज विद माइल्ड सिम्टम्स ऑफ कोविड 19, वो लोग जिनके अंदर हल्के लक्षण है कोविड 19 के, हु डू नॉट मीट द क्राइटेरिया फॉर प्रायोरिटी टेस्टिंग, जिन्हें प्राथमिक टेस्टिंग पर जो खरे नहीं उतर रहे अर्थात जिनको जरूरत नहीं है टेस्टिंग कराने की, विल नॉट बी टेस्ट, उन्हें वास्तव में टेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और देखें बच्चे, क्रे वाइल एक तरफ न्यू केसेस हैव डिक्लाइंड, डिक्लाइन मीन्स पतन की तरफ जाना, कम होते जाना, ठीक है, वैसे डिक्लाइन मीन्स अरुचि प्रदर्शित करना, अस्वीकार करना भी होता है। एक तरफ द न्यू केसेस हैव डिक्लाइंड इन यूरोप, यानी यूरोप में नए केसेस आने क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं देयर, तो दूसरी तरफ देयर इज एन अपटिक, मीन्स क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है हल्की हल्की इन अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। यानी एक तरफ यूरोप में केसेस क्या होने लगे हैं, कम होने लगे हैं, तो दूसरी तरफ देयर इज एन अपटिक, हल्की बढ़ोतरी हो रही है इन अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। समझ रहे होंगे, बिल्कुल इजी बच्चों। देखिए, करें द वायरस इज स्टिल स्प्रेडिंग, इसलिए मैंने कहा जब भी वर्ब से पहले आ जाए तो अभी भी होता है, द वायरस इज स्टिल स्प्रेडिंग, यहां देखिए इज एम आर वाज वर्ब है, इसका मतलब वर्ब में देखिए आईएनजी मींस एक्टिव वॉयस, द वायरस इज स्टिल स्प्रेडिंग क्विकली, ये एडवर्ब ऑफ है आपका, एडवर्ब ऑफ मैनर, क्विकली कैसे बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, द वायरस इज स्टिल स्प्रेडिंग क्विकली, यानी जो वायरस है अभी भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है इन द यूएस, कहां, अमेरिका में, कैसे देखें, विद 0.99 मिलियन केसेस, जहां पर करीब कितने 0.99 मिलियन केसेस, यानी करीब करीब 10 लाख के आसपास केसेस पहुंचने वाले हैं, तो इट हैज द मोस्ट नंबर ऑफ केसेस ग्लोबली, जिसके पास वैश्विक स्तर पे सबसे अधिक संख्या है मामलों की, संक्रमण की, और लिटिल मोर देन 4 टाइम्स दैट ऑफ स्पेन, यानी स्पेन में जो संख्या है उससे 4 टाइम्स मीन्स भी 4 गुना है ना। आप कहेंगे सर यहां मेनी फोल्ड, फोर फोल्ड, सेवरल फोल्ड, फोर फोल्ड के लिए, क्योंकि यहां और लिटिल मोर देन का यूज किया गया, कंपैरिजन का, जब कंपैरिजन का प्रयोग करें तो आप 4 टाइम्स यूज करें, ठीक है, वैसे कंपेरेटिव डिग्री के साथ आप टाइम्स ओवर का प्रयोग बच्चों नहीं करते हैं। देखें यहां फिर से देख लें आप, करें द वायरस इज स्टिल स्प्रेडिंग क्विकली इन द यूएस, समझ रहे होंगे, वायरस अभी भी अमेरिका में बहुत तेजी से फैल रहा है, विद उसके बारे में, जब ऐसे डैश देकर दिया जाए ना, समझ जाए उस नाउन के बारे में, उस स्थिति के बारे में बताया जा रहा है, विद 0.99 मिलियन केसेस, जहां पे करीब 1 मिलियन केस होने वाले हैं, यानी 10 लाख के आसपास केस होने वाले हैं, और एक चीज जानकारी दी गई जिसकी वजह से इट हैज द मोस्ट नंबर ऑफ केसेस ग्लोबली, जिसकी वजह से वैश्विक दुनिया भर में यहां सबसे अधिक संख्या है कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की, और फिर उसी के बारे में बताया गया, और लिटिल मोर देन, थोड़ा सा अधिक ही देन 4 टाइम्स, किसकी अपेक्षा 4 गुना, यानी 4 गुने से भी थोड़ा सा अधिक दैट ऑफ स्पेन, इसके यहां से स्पेन के यहां से, यानी स्पेन में जो केसेस की संख्या है उस नंबर से 4 गुने से भी थोड़ा सा ज्यादा कहां पर है, अमेरिका में संख्या जो करीब 1 मिलियन तक पहुंचने वाले हैं। उस हिसाब से सोचेंगे तो हम लोग अभी बहुत सेफ है बच्चों, नजर न लगे लेकिन अभी सेफ है। देखें करें देयर हैव बीन, जैसे देयर हैव बीन आपने देखा ना, तुरंत समझ जाए प्लूरल नाउन आने वाला होगा, हर हाल में प्लूरल नाउन प्रोनाउन, करें देयर हैव बीन ओवर 2.1 लाख डेथ्स वर्ल्ड वाइड, देखें 2.1 लाख डेथ्स प्लूरल है इसलिए हैव बीन लिया गया, देयर हैव बीन ओवर 2.1 लाख डेथ्स वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व में करीब 2.1 लाख लोग क्या हो चुके हैं, मर चुके हैं
विद द यूएस, फिर देखिए उसी के बारे में, विद द यूएस अगेन अकाउंटिंग फॉर, अकाउंटिंग फॉर याद करें हिसाब लगाना, संख्या होना, आंकड़ा लेना, विद द यूएस अगेन अकाउंटिंग फॉर द मोस्ट, और फिर से अमेरिका सबसे आंकड़े में सबसे अधिक है मरने वालों में, कितने ओवर 56,600, यानी 56,600 से ओवर, यानी उससे ज्यादा लोग क्या हो चुके हैं, मर चुके हैं, विच इज डबल दैट ऑफ इटली, जो इटली में मरने वालों की संख्या है, दैट किसके लिए बच्चों, संख्या, संख्या से भी क्या है डबल, मीन्स दोगुना है, सोच के देखें आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, करें न्यूयॉर्क सिटी, अभी और उसी के बारे में, अमेरिका के बारे में, न्यूयॉर्क सिटी अलोन हैज 17,515 डेथ, अकेले न्यूयॉर्क शहर में जब भी एलोन का प्रयोग करें तो उसे नाउन के बाद रखें, और वनली का प्रयोग करें तो नाउन से पहले रखें, अगर वनली लगाना होता तो ऐसे जाता, वनली न्यूयॉर्क सिटी हैज 17,515 डेथ, और एलोन का प्रयोग होगा तो नाउन के पहले, जैसे वनली ही केम, सही है, या ही अलोन केम, ऐसे अलोन को नाउन के बाद रखें और वनली को उस नाउन से पहले जिसके बारे में बता रहा है। देखें करें न्यूयॉर्क सिटी अलोन हैज 17,515 डेथ, अकेले न्यूयॉर्क शहर में 17,515 मौतें हो चुकी हैं, विच इज मल्टीपल टाइम्स, जो कई गुना ज्यादा है, हायर में ज्यादा है देन दैट ऑफ मेनी कंट्रीज, यानी कई देशों को मिलाकर के जो डेथ्स हुई हैं उनसे भी कई गुना ज्यादा है, कहां, न्यूयॉर्क शहर में। द मॉर्टलिटी, मॉर्टलिटी मीन्स ये जो नश्वरता, यहां नश्वरता न कहें बच्चों, यहां मॉर्टलिटी मीन्स जो मृत्यु, यानी लोगों की मौतें, ये कह लें आप, करें द मॉर्टलिटी फिगर्स, यानी मरने वालों के जो आंकड़े हैं, फिगर्स हैं, टू, वो भी मे बी एन अंडर एस्टिमेशन, वो भी शायद कहें कि अंडर एस्टिमेट किए जा रहे हो, यानी उनकी संख्या भी हो सकता है वास्तविक नहीं बताई जा रही हो सकता है उन्हें कम करके बताया जा रहा हो, आंका जा रहा हो। अब यहां आ गया इंडिया के बारे में, इंडिया हैज रिपोर्टेड ओवर 30,300 केसेस, यानी इंडिया हैज रिपोर्टेड ओवर 30,000, यानी भारत ने कितनी रिपोर्ट किया, हैज के बाद देखिए वर्ब की तरफ, भारत ने रिपोर्ट किया है कि 30,300 से ज्यादा केसेस हो चुके हैं एंड 973 डेथ्स, और 973 लोगों की क्या हो चुकी है, मौत हो चुकी है, ऐसा भारत ने रिपोर्ट किया बताया है। बेश्र आन, बेश्र आन यहां वही वर्ग की थर्ड फॉर्म, यानी विच इज बेश्र आन, बेश्र आन डेटा, यानी एक ऐसे डेटा पर, ऐसे आंकड़े पर वो है निर्भर है, कोलेटेड फ्रॉम, जो इकट्ठा किया गया, विच इज कोलेटेड फ्रॉम स्टेट्स, जो कहां से इकट्ठा किया, स्टेट्स, अलग अलग राज्यों से, ठीक है। द नंबर ऑफ केसेस, हाँ ये देखिए बिल्कुल एग्जाम्पल आपका मिल गया हमको, देखिए बच्चों यहां पे क्या है, द नंबर है ना, ये द नंबर है, तो द नंबर आपके बाद प्लूरल नाउन, लेकिन देखें वर्ब क्या आ गई, सिंगुलर आ गई, ये मैं इसलिए आपको फोकस करता हूं, और नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ वगैरह, और वैरायटी, द वैरायटी वगैरह, ये अक्सर अ मेजॉरिटी, द मेजॉरिटी वगैरह अक्सर एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं। देखें करें द नंबर ऑफ केसेस, द नंबर ऑफ केसेस हैज मल्टीप्लाइड, यानी द नंबर ऑफ केसेस, मामलों की यानी संक्रमणों की जो संख्या है, हैज मल्टीप्लाइड सेवरल फोल्ड, वो कई गुना बढ़ गई है, फ्रॉम ओवर 600, कब से, 600 से, नहीं 600 से ज्यादा जब संख्या थी उसे कई गुना बढ़ गई है, सिंस द नेशनल लॉकडाउन, कब से, जब से नेशनल राष्ट्रीय लॉकडाउन हुआ है, फ्रॉम मार्च 25, यानी 25 मार्च, यानी यहां बताया जा रहा है 25 मार्च को कितनी संख्या थी, 600, और तब से अब तक वो संख्या मल्टीप्लाइड सेवरल फोल्ड, मीन्स कई गुना क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है।
एट नियरली 8,600 केसेस, नियरली मीन्स लगभग, यानी करीब 8,600 केसेस के साथ महाराष्ट्र हैज द मैक्सिमम नंबर इन द कंट्री। हैज यहां पे क्या है, मेन वर्ब के रूप में बच्चों, महाराष्ट्र में सबसे अधिक केसेस हैं इस देश में, भारत में। और बताया गया धारावी अलोन, यहां पर देखिए अलोन बाद में है ना, धारावी अलोन हैज 330 केसेस, यानी धारावी जो मुंबई में है, धारावी में अकेले कितने केसेस हैं, 330 केसेस हैं, एंड 18 डेथ्स, और 18 क्या हो चुकी है वहां पे, मौतें हो चुकी हैं। कहां पर, धारावी, महाराष्ट्र में ही धारावी आपका। देखें करें विद अ पॉपुलेशन क्लोज टू 1 लाख, यानी वहां की पॉपुलेशन कितनी है, 1 लाख के करीब है, क्लोज मीन्स करीब, क्लोज टू 1 लाख, करीब 1 लाख है, दैट लिव्स चीक बाई जाउल, वो भी वो पॉपुलेशन है, ये लिव्स किसके लिए पता है, दैट किसके लिए है, पॉपुलेशन के लिए, ये पॉपुलेशन के लिए दैट लगा, और चूंकि पॉपुलेशन में दैट लगा इसलिए लिव्स लगा यहां पे, दैट लिव्स चीक बाई जाउल, जो 1 लाख लोग बिल्कुल एक दूसरे के पास पास रहते हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग, ऐसी अवस्था में फिजिकल डिस्टेंसिंग इज एन इम्पॉसिबल लग्जरी, यानी एक ऐसी सुविधा है जिसका लाभ लेना इम्पॉसिबल है, मीन्स क्या है, असंभव है, लाभ लेने मतलब यहां पे आप चाह के भी फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 1 लाख लोग केवल धारावी में रहते हैं, एक तरह से वो एक क्या है, बिल्कुल एक छोटा सा स्थान है जहां पे 1 लाख लोग रहते हैं, तो वहां फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना क्या है, बहुत मुश्किल है, बल्कि लेखक के अनुसार इम्पॉसिबल है। समझ रहे होंगे बच्चों, इसलिए आप बढ़ते चलें। अ सेंट्रल टीम, एक केंद्रीय टीम जो है, हैज इंडिकेटेड, जैसे सब देखें आप तुरंत हिंदी बना लें, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मीन्स या है या चुका है, चुकी है, इस तरह से। तो अ सेंट्रल टीम हैज इंडिकेटेड, यानी एक केंद्रीय टीम ने इंडिकेटेड, हैज इंडिकेटेड, ये संकेत दिया है दैट की नियरली 3,000 पीपल, लगभग 3,000 लोग माइट नीड इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन, उन्हें कहीं कहीं संस्थागत रूप से क्वारंटाइन किए जाने की जरूरत है, अलग किए जाने की जरूरत है, इन द एब्सेंस ऑफ इफेक्टिव कंटेनमेंट इन धारावी, यानी अगर धारावी में आप इफेक्टिव कंटेनमेंट नहीं कर सकते, उसकी एब्सेंस है ना, तो अगर उसकी एब्सेंस है, प्रभावी अगर आप नियंत्रण नहीं कर सकते, कंटेनमेंट नहीं कर सकते हैं, तो 3,000 लोगों को आपको क्या कर देना चाहिए, नीड इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन, उन्हें लोगों से क्या कर दें, अलग कर दें आप, ठीक है। करें इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस प्रसंग में इंडिया कुड लुक एट देख रहा कुड लुक एट द एक्सपीरियंस ऑफ सिंगापुर, यानी भारत सिंगापुर के अनुभव को क्या कर सकता है, लुक एट देख सकता है, अर्थात उससे सबक ले सकता है, उससे कुछ सीख सकता है, कैसे देखें। करें मच एप्रिशिएटेड फॉर इट्स एफर्ट्स इन ऑलमोस्ट कंटेनिंग द स्प्रेड ऑफ द वायरस अर्ली ऑन, द सिटी स्टेट हैज सीन नंबर्स राइजिंग सिंस लेट मार्च। बढ़िया लाइन बच्चों, देखें करें कि मच एप्रिशिएटेड, यानी बहुत अधिक प्रशंसा की गई, फॉर इट्स एफर्ट्स, इसके प्रयासों के लिए, किसके प्रयासों के लिए, सिंगापुर के, यानी मच एप्रिशिएटेड, बहुत अधिक प्रशंसा हुई, फॉर इट्स एफर्ट्स, के प्रयासों के लिए, इन ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट लगभग, इन ऑलमोस्ट कंटेनिंग द स्प्रेड ऑफ द वायरस अर्ली ऑन, अर्ली ऑन मीन शुरू में इसने इस तरीके के प्रयास किए कि ऑलमोस्ट कंटेनिंग, कि लगभग नियंत्रण प्राप्त कर लिया द स्प्रेड ऑफ द वायरस, किस पर, इस वायरस के फैलने पर, कब, अर्ली ऑन, शुरुआत में क्या हुआ कि सिंगापुर ने इतने अच्छे प्रयास किए कि उसने वायरस के फैलने पर कंटेनिंग, नियंत्रण प्राप्त कर लिया, लेकिन द सिटी स्टेट, चूंकि कोई देश तो ऐसा नहीं है सिंगापुर आपका, देखें द सिटी स्टेट, यानी सिटी स्टेट के रूप में जाने वाला सिंगापुर
हैज सीन नंबर्स, हैज सीन उसने देखा या वो देख रहा है नंबर्स संख्याओं को राइजिंग, क्या होते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल बच्चों, बढ़ते हुए, सिंस लेट मार्च, कब से, यानी मार्च के अंतिम जो समय था करीब मान लीजिए 20 मार्च के आसपास से वो उस संख्या को क्या करता हुआ देख रहा है, बढ़ता हुआ देख रहा है। वो सिंगापुर जिसने अर्ली ऑन शुरुआती दौर में वायरस के स्प्रेड को कंटेनिंग लगभग लगभग क्या कर लिया था, नियंत्रित कर लिया था। समझ नहीं कहने का, भारत को अगर ये समझना है कि अगर उसे नियंत्रण बनाए रखना है तो सिंगापुर से सबक लेना चाहिए। कैसे, सिंगापुर में शुरुआत में सिंगापुर ने ऐसे प्रयास किए, उसने लगभग क्या किया, नियंत्रण पा लिया, लेकिन अब यानी मार्च की उत्तरार्ध से अर्थात बाद से, लेटर जो मार्च है उसके बाद से मास संख्या मरीजों क्या होने लगी है, बढ़ने लगी। इससे भारत को सबक लेना चाहिए अर्थात लॉकडाउन वगैरह में या सुरक्षा के उपायों वगैरह में कमी नहीं ले आनी चाहिए। फ्रेश केसेस वही बारे में है, फ्रेश केसेस हैव बीन रिपोर्टेड, जैसे हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई ना, पैसिव वॉइस, यानी यहां ये जो फ्रेश केसेस हैं ये काम नहीं कर रहे हैं, इन पर काम हो रहा है। फ्रेश केसेस हैव बीन रिपोर्टेड यानी नए केसेस हैव बीन रिपोर्टेड, रिपोर्ट किए गए हैं फ्रॉम डॉर्मेट्रीज, कहां से, उन शयनागारों से, दैट जो शयनागार हाउस, हाउस यहां वर्ब के रूप में है बच्चों, दैट हाउस ओवर 0.2 मिलियन माइग्रेंट वर्कर्स, जिन शयनागारों में दैट हाउस यानी हैं, रखे हुए हैं ओवर 0.2 मिलियन माइग्रेंट वर्कर्स, करीब 2 लाख कह सकते हैं ना, 0.2 मिलियन, यानी 2 लाख माइग्रेंट वर्कर्स उन डॉर्मेट्रीज में पड़े हुए हैं फ्रॉम अदर कंट्रीज, जो माइग्रेंट वर्कर्स कहां से आए हैं, अन्य देशों से आकर वहां पर बसे हुए हैं। जो बच्चे यहां ये नहीं समझ पाए कि सर हाउस कैसे वर्ब हो गई, देखिए कैसे, यहां से देखिए बच्चों, फ्रेश केसेस हैव बीन रिपोर्टेड, क्लास पूरी हो गई, फ्रॉम डॉर्मेट्रीज, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है आपका, फ्रेश केसेस हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम डॉर्मेट्रीज, डॉर्मेट्रीज से नए नए केसेस की रिपोर्ट आई है, मीन्स रिपोर्ट किया गया है, दैट, ये दैट किसके लिए पता है बच्चों, डॉर्मेट्रीज के लिए, ये यहां रिलेटिव प्रोनाउन हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन किसके अनुसार चलता है, अपने एंटीसीडेंट के अनुसार, तो डॉर्मेट्रीज क्या है, प्लूरल, तो ये हाउस भी क्या होगा, प्लूरल वर्ब लेगा, तो हाउसेस क्या हो जाता, सिंगुलर, हाउस क्या है, प्लूरल, दैट हाउस जिन डॉर्मेट्रीज में हैं ओवर 0.2 मिलियन माइग्रेंट वर्कर्स, कौन, करीब 2 लाख माइग्रेंट वर्कर्स हैं फ्रॉम अदर कंट्रीज, जो कहां के हैं, दूसरे देशों के, समझ गए होंगे। चलिए, द क्राउडिंग इन द डॉर्मेट्रीज, उन डॉर्मेट्रीज में जो भीड़ है, विच इज जो है अकिन टू व्हाट इज सीन इन धारावी, वो वैसी ही है जैसी सीन कहां देखी गई आपने, धारावी में, नहीं धारावी में जो सीन है, दृश्य है, बिल्कुल उसी के समान दृश्य है कहां, उन डॉर्मेट्रीज में, कौन से डॉर्मेट्रीज में, किसके डॉर्मेट्रीज में, सिंगापुर के, एंड और अदर स्लम्स इन इंडिया, और कहां आप देख सकते हैं इसी तरीके की भीड़ इंडिया के अन्य झुग्गियों झोपड़ियों में, इस चीज ने यानी उस क्राउडिंग ने, द क्राउडिंग है ना इन द डॉर्मेट्रीज, उस क्राउडिंग ने हैज प्रोवाइडेड एन आइडियल सेटिंग फॉर इजी इंफेक्शन स्प्रेड, उसकी वजह से इजी इंफेक्शन सेटिंग की आइडियल, सॉरी स्प्रेड की आइडियल सेटिंग है, मीन्स आसानी से दूसरे में रोग क्या होता जाएगा, स्प्रेड फैलता जाएगा, क्योंकि सिंगापुर में जो हुआ वही धारावी में हो सकता है या भारत की अन्य स्लम्स में हो सकता है। ठीक है, अगली लाइन आप नहीं समझ पाए मैं फिर से पढ़ा दे रहा हूं, द क्राउडिंग, देखें द क्राउडिंग ये है ना, इन द डॉर्मेट्रीज, क्या इसका वर्ब आया है बच्चों अभी तक, द क्राउडिंग इन द डॉर्मेट्रीज, नहीं आया ना, क्योंकि ये तो एडजेक्टिव क्लास हो गई, विच इज अकिन टू व्हाट इज सीन इन धारावी एंड अदर स्लम्स इन इंडिया, ये जो विच से शुरू हुई क्लास आपकी ना, ये कहां तक आई बच्चों, यहां तक, इंडिया तक,
ये पूरा आपका एक क्लास है बच्चों, ये जो पूरा आप देख रहे हैं ये, ठीक है। तो फिर द क्राउडिंग इन द डॉर्मेट्रीज की वर्ब कहां है, तो द क्राउडिंग इन द डॉर्मेट्रीज की वर्ब कहां है, यहां है एस पे। आपका आंसर यहां तो डॉर्मेट्रीज है, तो मैंने कई बार कहा होगा जो प्रीपोजिशन होता है उसके पहले नॉर्मली आपका सब्जेक्ट होता है, ये इन है प्रीपोजिशन ना, तो आपका सब्जेक्ट डॉर्मेट्रीज नहीं बच्चों, आपका सब्जेक्ट है द क्राउडिंग। जैसे कोई आपसे कहे द मैन इन द विलेज इज गोइंग, हमारा सब्जेक्ट विलेज नहीं है, हमारा सब्जेक्ट है द मैन। तो वैसे ही द क्राउडिंग इन द डॉर्मे, हमारा सब्जेक्ट क्या है द क्राउडिंग, वो यहां से है। तो द क्राउडिंग हैज प्रोवाइडेड एन आइडियल सेटिंग, यानी इसने एक आसान सी व्यवस्था दे दी है फॉर इजी इंफेक्शन स्प्रेड, जिससे आराम से इंफेक्शन क्या होता जाएगा, फैलता जाएगा। डिस्पाइट, देखिए मैंने कई बार कहा ना शब्द रिपीट होते रहेंगे द हिंदू में, आप बहुत सारे वर्ड्स देखेंगे आपको धीरे धीरे तैयार हो जाएंगे यदि आप इन्हें तैयार करते चले। देखें करें डिस्पाइट शटिंग डाउन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी इस तथ्य के बावजूद, इसके बावजूद कि आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बंद कर दिया है एंड और वर्क प्लेसेस, और क्या बंद कर दिया आपने, कार्य करने के जो स्थान थे वो सब बंद कर दिया आपने, ऑन अप्रैल 3rd, कब, 3 अप्रैल को, व्हेन, जब द नंबर ऑफ केसेस, जब द नंबर ऑफ, देखिए वहां भी वाज आया ना बच्चों, द नंबर है आपका नाउन अभी भी प्लूरल लेकिन वर्ब सिंगुलर हो गए। फिर देख लें करें डिस्पाइट शटिंग डाउन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड वर्क प्लेसेस ऑन अप्रैल 3rd, 3 अप्रैल को आपने वर्क प्लेसेस को, जैसे ऑफिस वगैरह, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को आपने क्या कर दिया, शटिंग डाउन मीन्स बंद कर दिया। इसके बावजूद द नंबर ऑफ, सॉरी अभी यही देख लें आप, व्हेन द नंबर ऑफ केसेस वाज 1114, जिस समय आपने बंद किया ना उस समय केसेस कितने थे, 1114, एंड और मूविंग मेनी वर्कर्स टू अल्टरनेटिव एकोमोडेशन, और आपने क्या किया, मूविंग मेनी वर्कर्स टू अल्टरनेटिव एकोमोडेशन, आपने बहुत सारे वर्कर्स को अल्टरनेटिव एकोमोडेशन यानी एक वैकल्पिक अवस्था आवास में यानी रहने के स्थान में मूविंग भेज दिया आपने, एंड क्वारंटाइनिंग अदर्स, और अन्य लोगों को क्या कर दिया आपने, क्वारंटाइन कर दिया। इसके बावजूद बच्चों इट हैज नॉट बीन एबल टू कंटेन द स्प्रेड, वह इस स्प्रेड को क्या नहीं करने में सफल रहा है, कंटेन करने में समर्थ नहीं रहा, यानी उसे नियंत्रित करने में समर्थ नहीं रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, खत्म है आपका ये। करें नियरली लगभग 15,000 केसेस हैव बीन रिपोर्टेड, 15,000 केसेस की रिपोर्ट की गई है एज ऑन अप्रैल 28, कब, 28 अप्रैल को, 3 अप्रैल को कितने केसेस थे बच्चों, 1114, और 28 अप्रैल को कितने हो चुके हैं, 15,000। एज इंडिया, एक मिनट बच्चों, यहां से आप इस समझ लीजिएगा, ये धारावी का एग्जाम्पल्स दिया था, भारत के स्लम्स का एग्जाम्पल दिया था, फिर हैज स्प्रेड यहां पे था, हैज प्रोवाइडेड एनालिसिंग फॉर इज इन्फेक्शन स्प्रेड, ये अभी सिंगापुर की बात करें ना, क्योंकि यहां विच इज अकिन, जो समान था धारावी के और अदर स्लम्स जो भारत में उनके समान था, और ये अभी सिंगापुर की बात कर रहे थे यहां पे कि 3 अप्रैल को वहां पे उनकी संख्या कितनी थी, 1114, और 28 अप्रैल को संख्या कितनी हो चुकी है, 15,000 हो चुकी, ठीक है। अब नियरली 15,000 केसेस हैव बीन रिपोर्टेड एज ऑन अप्रैल 28, और 28 तारीख को वो केसेस कितने हो गए वहां, 15,000, कहां, सिंगापुर में। एज इंडिया नियर्स द एंड ऑफ इट्स एक्सटेंडेड लॉकडाउन, चूंकि भारत भी अपने लॉकडाउन के, जो उसने बढ़ाया हुआ है लॉकडाउन, उसके अंत की तरफ नियर, देखिए कितना बढ़िया वर्ड है बच्चों, कभी सोचा आपने, नियर यहां वर्ब के रूप में यूज की गई, देखिए कैसे, इंडिया सिंगुलर था ना, तो एज चूंकि भारत पहुंच रहा है, क
करीब करीब पहुंच रहा है द एंड ऑफ इट्स एक्सटेंडेड लॉकडाउन, उस लॉकडाउन के अंत की तरफ जिस लॉकडाउन को बढ़ाया गया था, तब इट नीड्स टू लर्न फ्रॉम द सक्सेसेस एंड फेलियर्स ऑफ अदर कंट्रीज, इसीलिए इसे दूसरे देशों की सफलताओं से भी और दूसरे देशों की विफलताओं से भी क्या करना होगा, नीड्स टू लर्न, भारत को सीखने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि जैसे सिंगापुर में डॉर्मेट्रीज में 3 अप्रैल को 1114 केसेस थे, लेकिन 28 अप्रैल को कितने हो गए, करीब 15,000 केसेस हो गए। तो भारत का एग्जाम्पल यहां क्यों दिया जा रहा है, भारत की तुलना की जा रही है, क्योंकि वहां पे वैसे ही भीड़ है जैसे भीड़ भारत में धारावी में है और भारत की अन्य स्लम्स में है। यदि वहां पर सिंगापुर में ये स्थिति हो सकती है तो भारत में भी ये स्थिति हो सकती है। इसलिए उसने, लेखक ने कहा, क्या कहा, लास्ट देख लें, एज चूंकि इंडिया नियर्स द एंड ऑफ इट्स एक्सटेंडेड लॉकडाउन, चूंकि भारत भी अपने उस एक्सटेंडेड लॉकडाउन के अंत की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए इसे सीखने की जरूरत है फ्रॉम द सक्सेसेस एंड फेलियर्स ऑफ अदर कंट्रीज, उन देशों यानी दूसरे देशों की सफलताओं और उनकी विफलताओं से क्या करने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। आशा है आपने समझा होगा। तो आप लाइक करना ना भूलें, अपने विचार रखना ना भूलें, और जो बच्चे नए हैं वो अपना सब्सक्राइब करना, चैनल को जरूर से जरूर क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। शाम को 6 बजे मैं आपसे इन्हीं वर्ड्स के और भी कॉमन एरर्स के साथ मैं आपको अपना एडिटोरियल का एक्सरसाइज का सेक्शन लेकर के हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए विदा।